देखो जिंदगी में ना कोई भी चीज़ के लिए आप कंफ्यूजन रहो चलेगा, लेकिन कैरियर के लिए अगर आप कंफ्यूजन पे रहोगे ना तो बेटे जिंदगी खत्म, याद रख लो ये बात। हेलो गाइस, दिस सुधांशु मार्केटिंग वाचिंग सुधांशु एंटरटेनमेंट। तो भाई लोग क्या है ना, बहुत बच्चों का ये डाउट्स है एंड बहुत लोग कंफ्यूज भी है कि हम लोगों को एक ही एग्जाम पे कंसंट्रेट करना है या फिर जितना भी एमबीए के लिए एंट्रेंस एग्जाम से वो सब के लिए कंसंट्रेट करना है। तो मेरा वो सजेशन है, एक ही सजेशन है मेरा। देखो पहला तो चीज़ है कैट। कैट जितना भी एमबीए एस्पिरेंट्स है सबका कैट पे कंसंट्रेशन रहना चाहिए। आप कैट के लिए प्रिपरेशन करो, अच्छे से प्रिपरेशन करो, क्योंकि कैट पे ही अगर आपका 90-95% आ जाता है तो इंडिया में आई थिंक मैक्सिमम नंबर ऑफ जितना भी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं एमबीए का, आई थिंक सबका कॉल आपको मिल जाएगा आराम से। अगर कैट में आपको 90-95% के अप्रॉक्सीमेटली आता है तो माइंड पे कैट रख के चलो कि कैट तो मेरा मेन फोकस है। अगर आप कैट अच्छे से प्रिपरेशन किए होगे देन आपको और कोई भी एग्ज़ाम इतना डिफ़िकल्टी नहीं लगेगा, क्योंकि कैट का डिफ़िकल्टी लेवल जो होता है उसके हिसाब से बाकी का, जैसे कि जैट होता है तो उसके हिसाब से ही होता है डिफ़िकल्टीज़। तो अगर आप कैट के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करते हो देन हाई चांस है कि आप बाकी सारा एग्जाम्स भी अच्छे से निकाल सकते हो। तो पहला कंसंट्रेशन रहना चाहिए कैट, आप अच्छे से प्रिपेयर करो, देन आप टारगेट कर सकते हो जैट को, ठीक है। अगर आपको प्राइवेट पे पढ़ना है तो मेरे हिसाब से एनमैट आप टारगेट कर सकते हो। अगर आपको एचआर पे जाना है, अगर आपको एमबीए एचआर पे करना है देन मेरे हिसाब से आपको टीस भी देना चाहिए, टीस भी अच्छा खासा है। तो सीईटी जो महाराष्ट्र का जो सीईटी एग्ज़ाम है उसको भी देना चाहिए, वो भी अच्छा खासा है, ठीक है। तो ये 4-5 एग्जाम सब ट्राई करो, लेकिन माइंड पे हमेशा यही रखो कि कैट अपना प्राइमरी फोकस है। अगर मैं कैट के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करूँगा तो बाकी सारा एग्जाम पे भी रिजल्ट्स अच्छा खासा आ सकता है, प्रोबेबिलिटी बहुत ही आई है कि आपका अच्छा खासा ही आएगा, ठीक है। सो मेरे हिसाब से कॉन्सेंट्रेट करके कैट जैसे कि क्रैक करोगे अच्छा 90-95% लाओ। कैट एक ऐसा एग्जाम है ना, अगर आपका 90% प्लस नहीं आता है ना तो कोई फायदा नहीं है। 90% या फिर 95% जैसे कि मैं बोल रहा हूँ एक प्रोबेबिलिटी, 90% प्लस आया तो ठीक है, वरना उससे नीचे आया तो आपको हाँ कुछ कॉलेज मिल जाएगा, अच्छा खासा नहीं अच्छा खासा मिलेगा पर उतना ज़्यादा रिप्यूटेड नहीं मिलेगा, या फिर रिप्यूटेड मिल सकता है उतना ज़्यादा जो ब्रांड वैल्यू रखता है जो कॉलेज उस टाइप का नहीं मिल सकता है। तो उस टाइप का प्रिपरेशन करो कि अगर आप कैट देखते हो तो 90-95% आप क्रैक कर सकते हो। 2-3 साल प्रिपरेशन के लिए दो, आपको ज़रूर आप सक्सेस आप हो गए, ये मेरा गारंटी है भाई। तो ये मेरा एक सजेशन है आप लोगों के लिए, कृपया करके इसको फॉलो करें, क्योंकि अभी तो आगे कैट फिर से आने वाला है। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ऑनलाइन भी रिसोर्सेस अवेलेबल है, नहीं तो कोचिंग वगैरह ज्वाइन करो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, प्लीज़ कीप सब्सक्राइब माई चैनल, वॉच माई वीडियो।